हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम शैलेंद्र बोरा है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हमारी 11th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्लास होगी। इस क्लास के अंदर मैं कुछ बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड बातें आपको बताऊंगा। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान कहते हैं किसे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसकी विभिन्न शाखाएं जो है, शाखाएं मतलब उसके जो विभिन्न भाग हैं वो कितने भागों में बांटी गई है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम बिना समय व्यर्थ किए विज्ञान का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने विज्ञान की परिभाषा लिखी है। किसी भी घटना का सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। कोई भी घटना हो जाती है, जैसे कि सपोज कीजिए किसी बिल्डिंग से एक बॉल का ऊंचे गिरना। जब कोई बिल्डिंग से एक बॉल गिरती है, यदि इस बॉल के गिरने की घटना में हम प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, गिरने में लगा समय, त्वरण, बल, जितनी दूरी तक वह गिरी है यानी बिल्डिंग की ऊंचाई या उसका विस्थापन, ये सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करें तो हम उस घटना का सुव्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि हम किसी घटना का सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो यह जो है इसे विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान कहा जाता है। विशिष्ट ज्ञान का अर्थ ही विज्ञान होता है। अब हम जो है भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान जो है इसे हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। कहने के लिए ये विश्व के जितने भी विषय हैं उन सब का कठिनतम विषय माना जाता है। लेकिन इसे कठिनतम मानकर इसको आपकी ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से विज्ञान की एक सबसे प्यारी शाखा जो है वो है भौतिक विज्ञान। यदि हम इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो हो सकता है, जैसे मुझे सभी विषयों में भौतिक विज्ञान सबसे प्रिय लगता था, हो सकता है, मैं होप करूंगा कि आपको भी जो भौतिक विज्ञान जो है या फिजिक्स है वो सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमें बेसिक्स यानी कि हमें मूल बातों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि हम पहली क्लास से हमारी मूल बातों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसकी एक एक बात को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स जो है ये प्राकृतिक घटनाओं तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन कहलाता है। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स जो है जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं प्रकृति से रिलेटेड, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन करना, यह एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाले प्रकाश का अध्ययन करना, सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली ऊष्मा का अध्ययन करना, या आपको पता होगा चुंबक के द्वारा लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। लेकिन जब हम इनका अध्ययन गहनता से करते हैं तो ये हमारी जो शाखा है, ये विज्ञान की जो शाखा है, ये फिजिक्स के रूप में जानी जाती है। अब भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में दो शाखाएं थी। सन 1910 जो था उससे पहले की जो फिजिक्स थी वो क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत फिजिक्स कहलाती थी। उसे चिरसम्मत या क्लासिकल फिजिक्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी स्टडी नहीं की जाती थी। सभी वस्तुओं को कणों के रूप में मानकर उसका अध्ययन करते थे। और 1910 का जो समय था उस दौरान, उस काल के अंदर, उस कालखंड में 10 से 20 वर्षों के समय अंतराल के अंदर हमें परमाणु, नाभिक, नाभिकीय कणों के बारे में ज्ञान हुआ। उसके पश्चात की जो फिजिक्स थी उस फिजिक्स को हम आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो हम हमारी जो 11th क्लास है उसके अंदर मेनली क्लासिकल फिजिक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 12th क्लास के अंदर भी हमारे क्लासिकल फिजिक्स का कुछ पोर्शन है और एक बुक जो है 12th क्लास की वो पूरी तरह से मॉडर्न फिजिक्स को डेडिकेटेड होगी। तो देखते हैं सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स जो है इसके कौन कौन से भाग हैं।
आप देखेंगे पहला भाग मैंने लिखा है गति की। गति की क्या है, इसमें कणों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपने नाइन्थ क्लास में कणों की गति को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वेग, त्वरण इत्यादि के बारे में। अब आप इलेवेंथ क्लास में गति की को बहुत एलोब्रेट फॉर्म में पढ़ेंगे। एलोब्रेट मतलब उसको बहुत विस्तृत रूप से आप उसका अध्ययन करेंगे। तो गति की जो है हमारी, उसके अंदर हम गति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी जो शाखा है वह है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व है, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। चुंबक के बारे में या आवेशों के बारे में पढ़ते हैं। इस शाखा के अंदर आवेश, आवेश की अन्योन्य क्रियाएं, जब आवेश गतिमान होता है तो वह चुंबकत्व उत्पन्न करता है, उससे संबंधित अध्ययन जो है वो विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। फिर अगली हमारी शाखा जो है वह है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है, इसमें प्रकाश की प्रकृति तथा प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश से संबंधित घटनाएं क्या हो सकती है, आप सब बच्चों को पता है कि जैसे परावर्तन, अपवर्तन वगैरह वगैरह, और भी आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ की फिजिक्स में व्यतिकरण, विवर्तन, बहुत सारे नए नामों को आप पढ़ोगे। तो जब आप प्रकाश के बारे में अध्ययन करोगे तो इसका मतलब आप प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक और शाखा है वह है ऊष्मा गति की। ऊष्मा गति की वह शाखा है जिसके अंदर हम ऊष्मा के आदान प्रदान और ऊष्मा की प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ऊष्मा किन किन विधियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, उसका हम ऊष्मा गति की के अंदर कर अध्ययन करते हैं। फिर आइए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो है वो क्या है। मॉडर्न फिजिक्स में है परमाणु भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें परमाणु भौतिकी जो है वो एक ऐसी शाखा है जिसमें हमें पढ़ाया जाता है कि परमाणु क्या है, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब उसका जो निर्माण हुआ है वो कैसा है, परमाणु में कितने प्रकार के कण है, ये सब हमें परमाणु भौतिकी के बारे में पढ़ा है। फिर नाभिकीय भौतिकी में हमें पढ़ाया जाता है नाभिक क्या है, नाभिक में कौन से बल है, नाभिक में कौन से नाभिकीय कण है, ये सब आप ट्वेल्थ की फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्लाज्मा भौतिकी, ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। अगर आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, सपोज करिए आप एमएससी लेवल तक फिजिक्स में जाते हैं, तो प्लाज्मा भौतिकी आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगी। पदार्थ की तीन अवस्थाएं सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम उसे बहुत उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो वह पदार्थ जो है आयनित अवस्था में हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन और आयन जो है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो हम प्लाज्मा के अंदर, उसको हम प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। तो जब हम पदार्थ की प्लाज्मा के फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है, उसके क्या गुण है, तो वह प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। और एक और है क्वांटम फिजिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो हमें पढ़ाती है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पार्टिकल नेचर मतलब उसका कणीय प्रकृति और उसकी वेव नेचर जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम इसका ट्वेल्थ फिजिक्स में भी इंट्रोडक्शन लेंगे, बाकी मोस्टली आप इसको बीएससी और एमएससी के अंदर ही स्टडी करेंगे। आई होप जो मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बेसिक बातें बताई है वो समझना ही होगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और इसमें लिखाए गए बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट करें। नमस्कार।